हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिकुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पर हिंदी शायद के कवियों के बारे में, एथलेटिक के बारे में, स्वतंत्र सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में एक मिसाल कायम की। वास्तव में कुछ लोग होते हैं जो जीवन में कुछ ऐसा करते हैं जो अजीब लगता है, एक नॉर्मल इंसान भी जो नहीं कर पाता, कुछ लोग ऐसा करके दिखाते हैं। आज हम आपको हेलेन केलर नाम की एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपने उसूलों और इरादों के दम पर दुनिया में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। जब तक दुनिया रहेगी तब तक इनके उपकारों और उनके हौसलों को याद करती रहेगी। चलिए आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं अंधी और बहरी हेलेन केलर के जीवन के बारे में कुछ रोचक बातें। तो आइए दोस्तों, बताना चाहूंगा इनका जन्म और स्थान। तो दोस्तों इनका जन्म 27 जून 1880 को अलबामा में हुआ था। इनका परिवार एक पुराने घर में रहता था। इनके पिता का नाम आर्थर एच केलर था जो कि एक समाचार पत्र के संपादक थे और इनकी माता घर का कामकाज किया करती थी, यानी कि एक गृहिणी थी। तो आइए दोस्तों बताना चाहूंगा अंधा और बहरा हो जाना इनके लिए कैसा था। तो दोस्तों हेलेन केलर जब छोटी थी तभी से वह अंधी और बहरी थी। दरअसल बचपन में उन्हें एक बीमारी हुई थी जिस वजह से उन्होंने अपने आंख को खो दिया। जी हाँ दोस्तों, और बहरी भी हो गई। इसी के साथ आपको बताता चलूं, इस वजह से उनके माँ बाप भी अपनी बिटिया को इस परिस्थिति में देखकर बहुत परेशान रहते थे। अंधी और बहरी होने के कारण वह सही से बोलने भी नहीं पाती थी। कुछ समय बाद उनकी माँ ने एक अखबार में पढ़ा कि एक संस्था है जो अंधे व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने की कोशिश करती है। उनकी माँ ने उस संस्था से संपर्क किया और अपनी बेटिया को सही करने की कोशिश की और मन में विचार कर लिया कि अपनी बेटी को सही करना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलो इनकी शिक्षा। तो दोस्तों ये अंधी और बहरी थी लेकिन फिर भी कुछ उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ाना उचित समझा। जी हाँ दोस्तों, और अंधे और बहरे व्यक्तियों की मदद करने वाली संस्था के एक शिक्षिका ने उन्हें घर पर आकर पढ़ाया। काफी मेहनत के बाद हेलेन केलर नई तकनीक के जरिए अक्षरों का ज्ञान सीख पाई और अपनी मेहनत के दम पर कई भाषाएं वह सीख गईं। उन्होंने फ्रेंच और जर्मन जैसी भाषाएं सीख ली और वह पढ़ाई के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि पढ़ाई में काफी तेज थी लेकिन उनमें शुरू से ही नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई करना अच्छा लगता था। इसी वजह से उन्होंने उच्च स्तर की पढ़ाई की और एक विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। दोस्तों कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि जिस तरह से वह पढ़ाई करती थी उस लिपि में उन्हें सभी किताबें नहीं मिली और उन्हें पढ़ाई करने में परेशानियां हुई, लेकिन फिर भी वह अपने अथक प्रयासों के कारण ग्रेजुएट हो गई और उन्होंने कई बार पूरे विश्व का भ्रमण भी किया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलो हेलेन केलर का सामाजिक कार्य है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा हेलेन एक ऐसी महिला थी जो अंधी बहरी थी फिर भी वह उस जैसे ही लोगों की मदद करती थी। उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए जिस वजह से आज देश ही नहीं दुनिया भी इन्हें जानती है। इन्होंने विकलांग व्यक्तियों की मदद करने के लिए करोड़ों रुपए एकत्रित किया और उनकी मदद की। दरअसल उन्होंने अनेक संस्थाओं का निर्माण किया जिसके जरिए वह विकलांग व्यक्तियों की मदद करती थी। सबसे खास बात यह है कि वह बिल्कुल भी अपने लिए इन पैसों का खर्च नहीं करती थी। वह गरीबों अपाहिजों की मदद के लिए हमेशा तैयार थी। इसी वजह से हर कोई उन्हें जानने लगा था। दोस्तों आपको बताता चलूं कि हेलेन केलर के ऊपर एक फिल्म भी दर्शाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, हेलेन केलर एक महान नारी थी। इनके ऊपर एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस फिल्म का नाम ब्लैक है। ये फिल्म सन 2005 में रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर संजय लीला भंसाली थे और इसमें अमिताभ बच्चन भी थे। इस फिल्म में ब्लेन का किरदार रानी मुखर्जी ने निभाया था। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि इन्होंने काफी जीवन में संघर्ष किया। अंधा और बहरा होने के साथ साथ काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और इनके जीवन में एक वक्त था कि इनके जीवन में काफी कठिनाइयां आई और इन्होंने कठिनाइयों का डटकर मुकाबला किया और काफी सारा पैसा एकत्रित किया जो विकलांगों के लिए, गरीबों के लिए सारा पैसा उनके लिए, उनकी हिफाजत के लिए लुटा दिया। और आप सबसे खास बात यह थी
कि उन्होंने उस पैसे में से जोड़े गए पैसों में से अपने ऊपर एक भी रुपए खर्च ना किया। वो अंधी और बहरी होने के साथ साथ सामाजिक कार्य में जुटी रहती थी और सामाजिक कार्य को बखूबी निभाती थी। इसी के तहत आपको बताता चलूं कि हेलन और केलर की मृत्यु। तो दोस्तों, हेलन केलर वास्तव में एक महान समाज सेविका थी। भले ही वह अंधी और बहरी थी लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट थी। लेकिन 1 जून 1968 को हेलन केलर की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई और वह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कैसे लगी आपको एक ऐसी बहादुर और सामाजिक कार्य करने वाली महिला की, जिसका नाम दुनिया में आज भी लोग बहुत ही शान शौकत से लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं इस हेलन और केलर के जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी तो हमारे साथ शेयर करें ताकि उसको हम अपने चैनल पर ला सके। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।